वेलकम बच्चों, मैं प्रवीण अरोड़ा टीम सीएलसी से। आज अपन बात करेंगे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जो आपका माइनर टू था, इसका पेपर सॉल्यूशन करते हैं। पेपर नो डाउट आपका अच्छा हुआ होगा, फिर भी कुछ डाउट है, कहीं कुछ क्वेरीज है तो आप यहां से अपडेट कर लीजिए। देखिए बेटा जी, क्वेश्चन क्या था, विच स्टेटमेंट करेक्ट फॉर इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। एक सिंपल क्वेश्चन है बेटा, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन है, चेक करते हैं क्या है। इट इज ए टेम्परेरी इफेक्ट, बिल्कुल प्रॉपर बात है। इंडक्टिव रेजोनेंस हाइपर कंजुगेशन परमानेंट इफेक्ट होते हैं, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट ड्यूरिंग रिएक्शन होता है, इसलिए टेम्परेरी इफेक्ट है। इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ पाई बॉन्ड, ये भी बिल्कुल प्रॉपर है। इंडक्टिव सिग्मा के लिए है, रेजोनेंस पाई के लिए है, हाइपर कंजुगेशन में सिग्मा पाई बहुत पार्टिसिपेशन होता है। और अगर बात करते हैं इलेक्ट्रोमेरिक, तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट अपन को एल्कीन की रिएक्शन में, एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन में नजर आता है। तो वहां पे अपन देखते हैं कि एल्कीन के पास कोई इलेक्ट्रोफाइल अगर इंटरेक्ट करना चाहता है तो उसकी बॉन्ड ओपनिंग ये इलेक्ट्रोमेरिक है। कार्बोनिल के पास कोई न्यूक्लियोफाइल एंट्री करना चाहता है तो वहां पे उस एंट्री के साथ अपन कहें तो न्यूक्लियोफाइल वहां पे इंटरेक्ट करता है और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो पाई बॉन्ड की जो एक टेम्परेरी ड्यूरिंग रिएक्शन जो ओपनिंग है उसी को अपन इलेक्ट्रोमेरिक कहते हैं। इट टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, ये जो बात मैंने कही वो इसमें और आ गई, तो इसका मतलब ऑल आर करेक्ट। ये सभी जो स्टेटमेंट इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के लिए दिए हैं बिल्कुल प्रॉपर है। नेक्स्ट कहें अपन इसके बाद, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्लस एम इफेक्ट ऑफ गिवन ग्रुप्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। आपके पास ग्रुप्स दिए हुए हैं बेटा, ये फोर ग्रुप गिवन है आपको, इनका प्लस एम प्लस आर डोनेटिंग रेजोनेंस जो इफेक्ट है उनका एक ऑर्डर लगाना है। तो ऑर्डर के अकॉर्डिंग अगर अपन देखें इन फोर ग्रुप्स में से, तो यहाँ पे अपन ओ नेगेटिव और CH2 नेगेटिव, इन दोनों में से बाकी रिमेनिंग से ज्यादा बेटर ये है, क्योंकि नेगेटिव डोनर न्यूट्रल से बेस्ट होते हैं। तो जो लास्ट वाले टू है वो न्यूट्रल, तो आप पहले फर्स्ट दोनों में से डिसाइड करें, ओ या कार्बन। तो नो डाउट कार्बन ज्यादा बेटर होगा, कार्बन की इनकम होती है। तो यहाँ पे अपन कहें फर्स्ट ऑप्शन में ओ नेगेटिव आगे है, फिर CH2 नेगेटिव आगे है, CH2 नेगेटिव आगे है, तो अपने को आंसर जो देना है या तो टू में से या फोर में से, क्योंकि ये कंफर्म है कि CH2 नेगेटिव वो नेगेटिव से बेटर है। ओ के कंपैरिजन में कार्बन पे नेगेटिव चार्ज जो होता है वो अनस्टेबल होता है, इसलिए वो ज्यादा बेटर डोनेट करेगा। तो CH2 के जस्ट बाद ओ CH3 नहीं आएगा बेटा, ओ नेगेटिव आएगा, ये भी कंफर्म है, क्योंकि नेगेटिव डोनर अपने को पहले लेने, तो इसलिए कंफर्म हो गया आंसर यही रहेगा, और तो कोई ऑप्शन ही नहीं सुटेबल है। ओ CH3 और OCOCH3 मैं वो पीछे क्यों गया, क्योंकि ओ COCH3 में एक प्रॉब्लम और है, लॉन पेयर की वजह से ये प्लस आर का इफेक्ट शो तो कर देगा, लेकिन इसकी बैक साइड में जो ग्रुप प्रेजेंट है ये भी इसके साथ माइनस आर इफेक्ट शो करता है। तो इसलिए ये लॉन पेयर बहुत साइड में अपन कहें तो डायरेक्शन रेजोनेंस की डायरेक्शन शो करता है, तो इसलिए इसका इफेक्ट जो होता है वो एज कंपेयर ओ CH3 क्या रहेगा, पुअर हो जाएगा। क्लियर है बेटा, तो ये ऑर्डर आएगा इसका, थर्ड ऑर्डर इसके लिए बिल्कुल प्रॉपर है। नेक्स्ट कहें हम इसके बाद, हाँ जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 48 में क्या कहना चाहता है, ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स व्हिच कंपाउंड हैज मिनिमम हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन का मिनिमम वैल्यू किसके लिए रहेगा, तो बेटा रिलेशन क्या है, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन इनवर्स प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी। आपके पास जो गिवन मॉलिक्यूल है आप उनका स्टेबिलिटी का ऑर्डर लगाइए, जो हाईएस्ट स्टेबल होगा उसके लिए अगर अपन कहें तो स्टेबिलिटी का वैल्यू हाई रहेगा, तो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन उसके लिए क्या रहेगा, मिनिमम रहेगा। तो आपको यहाँ पे मिनिमम हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन ही बताना है। तो देखिए सिस्टोब्यूटीन एक मॉलिक्यूल गिवन है आपके पास, ये वाला, फिर ट्रांस टू ब्यूटीन मॉलिक्यूल है ये वाला, थर्ड है 2,3-dimethyl-2-butene 2,3-dimethyl-2-butene ये रहेगा, और फोर्थ अपन कहें तो 1-butene 1-butene कहें तो ये वाला है। तो बेटा जी यहाँ पे अगर इन मॉलिक्यूल में अपन देखते हैं तो ये 6-alpha-H कंटेनिंग है, ये 6-alpha-H कंटेनिंग है, ये 12-alpha-H कंटेनिंग है, और ये alpha-H के नंबर पे हिसाब से अपन कहें तो 2-alpha-H कंटेनिंग। तो मोर alpha-H मोर स्टेबिलिटी, और मोर स्टेबल जो मॉलिक्यूल होगा उसके लिए हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन का वैल्यू क्या होगा, मिनिमम होगा। तो इसलिए अपन यहाँ पे आंसर जो देंगे वो क्या देंगे, थर्ड देंगे। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 49,
विच अमंग ऑफ द गिवन एसिड हैज लोएस्ट पीके. अब एसिडिक स्ट्रेंथ जो है बेटा के ए के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है और पी के ए के इनवर्स होती है. तो लोएस्ट पीके कह रहा है, तो लोएस्ट पीके का मतलब बेस्ट एसिड की बात कर रहा है, क्योंकि दोनों में रिलेशन कैसा है, अपोजिट. इसका वैल्यू लोएस्ट करोगे, इसका मतलब एसिडिक बिहेवियर क्या होगा, हाईएस्ट होगा. तो आपको यहां से बताना है सबसे बेस्ट एसिड कौन से वाला है, क्लोरोएसिटिक, ब्रोमोएसिटिक, नाइट्रोएसिटिक, साइनोएसिटिक. देखो बेटा यहाँ पे मॉलिक्यूल गिवन है, ये बेसिक मेनली एसिड तो ये है. वन टाइम यहाँ पे क्लोरो शो किया, वन टाइम ब्रोमो शो किया, वन में नाइट्रो शो किया और वन में साइनो शो किया. अपन जानते हैं ये जितने भी ग्रुप हैं सब इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करके कार्बोक्सिलिक एसिड के कॉन्जुगेट को, कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक बिहेव शो करेगा तो उसका जो कॉन्जुगेट बनेगा उसके लिए वो क्या होंगे, विड्रॉवर. तो विड्रॉवर में अगर आप इंडक्टिव का ऑर्डर जानते हैं तो आपको मालूम है नाइट्रो सबसे बेटर ग्रुप होगा, तो नाइट्रो यहाँ पे नंबर वन पे लेना है अपन को. सबसे बेस्ट जो एसिड है उसके लिए पीके का वैल्यू क्या होगा, लोएस्ट. क्लियर, तो आंसर थर्ड देंगे. 49 के बाद अपन कहें 50. अरेंज पीएच ऑफ द गिवन कंपाउंड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर. अब आपको मालूम है पीएच का एक स्केल होता है, पीएच स्केल के अकॉर्डिंग 7 पीएच वाले जो भी मॉलिक्यूल है इसका मतलब वो न्यूट्रल है, 7 से अपर जाने पे वो बेसिक और 7 से बिलो जाने पे एसिडिक. अब जितना पीएच का वैल्यू डाउन जाता है उतना ही वो एसिडिक होगा. तो यहाँ पीएच का एक ऑर्डर लगा हुआ है, मतलब जितने भी ऑर्डर है उसमें फर्स्ट में जो मॉलिक्यूल लिया जाएगा उसका पीएच वैल्यू हाई होगा. तो एसिड के अंदर पीएच वैल्यू हाई होने का मतलब क्या, वैसे एसिड है ये सब, फिनॉल एसिड है, एथिल अल्कोहल एसिड है, फॉर्मिक एसिड, बेंजोइक एसिड. तो आप पहले यहाँ पे एसिडिक ऑर्डर लगा लीजिए, क्योंकि एसिडिक ऑर्डर का अपोजिट जाएगा पीएच, क्योंकि जितना बेटर एसिड होगा उसका पीएच वैल्यू उतना ही क्या होगा, लो होगा. तो यहां अगर मैं कहूं फिनॉल, एक मॉलिक्यूल गिवन है फिनॉल ए पे, बी पे आपको गिवन है इथाइल अल्कोहल, और सी पे आपको गिवन है फॉर्मिक एसिड, और डी पे गिवन है बेंजोइक एसिड. ये बेटा जी अपन को मॉलिक्यूल गिवन थे. अब इनमें से डिसीजन लेना था एसिडिक बिहेवियर के बारे में, तो नो डाउट कार्बोक्सिलिक एसिड जो रहेंगे वो अल्कोहल और फिनॉल से ज्यादा बेटर है, और उसमें से भी एरोमेटिक से, एरोमेटिक इन जनरल एलिफेटिक से बेटर होता है, पर फॉर्मिक एसिड अपन कहें तो एबनॉर्मली बेंजोइक से भी बेटर होता है. तो अपन क्या लेंगे, सी सबसे बेटर लेंगे, ए बी सी डी यही था. तो सी के बाद अपन को लेना है डी को, सी ले लिया फॉर्मिक, फिर डी ले लिया. अब आपके पास फिनॉल और एल्कोहल है, तो नो डाउट एल्कोहल जो है वो और भी पुअर रहेगा, फिनॉल में जो एच रिमूव होने के बाद रेजोनेंस होने का चांस है. तो यहाँ पे ए ले लेते हैं, और ए के बाद अपन कहें तो ले लेंगे डी. ये तो आया बेटा किसका ऑर्डर, एसिडिक बिहेव का, लेकिन सामने वाला हमसे किसका ऑर्डर लगवाना चाहता है, पीएच का. तो पीएच का वैल्यू हाईएस्ट कब होगा, जब वीक एसिड हो, क्योंकि आपको मालूम है पीएच का वैल्यू तो 7 की साइड जब जाएगा तो हाईएस्ट होने का मतलब क्या है, वहां पे उसका एसिडिक कैरेक्टर कम होगा. तो ऑर्डर अगर पीएच का लगाते हो तो ये आएगा बी ए डी सी. तो अब यहाँ पे देख लो सब, बी ए डी सी, बी जहां सबसे बेटर हो, बी यहाँ पे सबसे बेटर है और किसी में है ही नहीं, तो यहाँ पे आपका जो आंसर कन्फर्म रहेगा वो कौन सा रहेगा, सेकेंड आंसर. क्लियर है बेटा, तो ये आपका इस क्वेश्चन का 50 का आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट कहें हम इसके बाद 51, इन विच कंपाउंड सी सी बॉन्ड लेंथ इज मिनिमम. कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ मिनिमम बतानी है. मॉलिक्यूल गिवन है एथीन, मॉलिक्यूल गिवन है एथीन, मॉलिक्यूल गिवन है एथाइन, और मॉलिक्यूल गिवन है बेंजीन. वैसे तो बेटा यहाँ पे डायरेक्ट डाटा भी आपको याद हो सकता है, फेमस क्वेश्चन है. कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के लिए 1.54 एंगस्ट्रम डाटा होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के लिए 1.34 एंगस्ट्रम होता है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए 1.20 एंगस्ट्रम होता है, और बेंजीन के लिए डबल और सिंगल के इन बिटवीन वैल्यू आता है 1.39 एंगस्ट्रम. तो इसके अकॉर्डिंग उसने अपने को क्या कहा है, मिनिमम कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ. तो आंसर कौन सा रहा, मिनिमम के लिए अपन कहें तो ट्रिपल बॉन्ड, तो एथाइन मॉलिक्यूल आएगा बेटा. नेक्स्ट कहें हम इसके बाद, क्वेश्चन नंबर 51 हो गया, 52 में देखें, कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड. मॉलिक्यूल गिवन है अपने पास, मॉलिक्यूल क्या है, ब्यूटाडाइन है. ब्यूटाडाइन में कहना चाहता है कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ बिटवीन C2 C3. भाई ये जो मॉलिक्यूल गिवन है यहाँ पे आपका ये वाले बॉन्ड को टारगेट कर रहा है, वो 2 और 3 नंबर वाला जो बॉन्ड है वो जो बॉन्ड लेंथ आएगी वो कैसी आएगी, 1.54 एंगस्ट्रम. तो बेटा ये तो रॉन्ग है,
क्योंकि बोन प्रॉपरली सिंगल नहीं है, डबल सिंगल डबल, और आप जानते हैं डबल सिंगल डबल का कंजुगेशन सिस्टम बनता है, तो नो डाउट यहाँ पे एक रेजोनेंस फिनोमिना होगा। रेजोनेंस होगा तो इस बोन में कौन सा करेक्टर रहेगा, डबल बोन्ड करेक्टर रहेगा, डीबीसी आएगी। तो डीबीसी आएगी तो इसका मतलब क्लियर सिंगल बोन्ड की लेंथ तो इसमें नहीं आ सकती, क्लियर डबल बोन्ड वाली लेंथ भी आप इसमें नहीं ले सकते। तो लेस देन 1.54, भाई सिंगल बोन्ड का 1.54 है उससे लेस होगा, नो डाउट होना चाहिए क्योंकि डबल का करेक्टर आ रहा है, और ग्रेटर देन 1.33 तो ये भी ठीक है क्योंकि डबल बोन्ड के लिए 1.33 है तो एक्चुअल डबल भी नहीं आएगा, तो इन बिटवीन आना है, तो ये आंसर इसके लिए ज्यादा बेस्ट है, सुटेबल है। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 53। कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड, अरेंज दीज कंपाउंड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिसिटी। आपके पास मॉलिक्यूल 4 गिवन है, बेसिसिटी का ऑर्डर सेट करना है, तो बेटा फर्स्ट मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में बिजी है और ऐसा मुझे लगता है इन 4 में, तो ये तो कॉमन फैक्ट है, कॉमन प्रॉब्लम है। अब देखना ये है कि यहाँ पे बेसिक बिहेव को इम्प्रूव कौन करेगा, डिक्रीज कौन करेगा, तो नाइट्रो तो बेटा जी माइनस आर माइनस आई इफेक्ट से विड्रॉ करता है, तो बेसिक बिहेव डिक्रीज करेगा क्योंकि बेस के लिए डोनर होना ज्यादा बेस्ट कंडीशन है। साइनो जो है वो भी माइनस आर वाला है, माइनस आई वाला है, लेकिन अगर नाइट्रो के साथ कंपेयर करोगे तो नाइट्रो साइनो से ज्यादा बेटर रहेगा विड्रॉ करने के मामले में, और मेथिल अगर अपन कहें तो डोनेट करेगा प्लस एच से प्लस आई से। तो ओवरऑल अगर इन 4 में अपन कंपेयर करते तो सबसे बेस्ट बेस जो आया वो कौन सा आया, डी। तो यहाँ पे वो यही कहना चाहता है डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो हाईएस्ट वाले को वो सबसे पहले लेगा, तो डी सबसे पहले आना चाहिए, डी इस ऑप्शन में भी पहले, इस ऑप्शन में भी पहले, तो डी के जस्ट बाद मुझे ए लेना, क्यों, बी में सी में दोनों में ही विड्रोवर है, तो इसलिए डी के जस्ट बाद ए किसमें आ रहा है, डी के जस्ट बाद ए यहाँ आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो अभी तक इसमें नहीं कन्फर्म है। अब आपको देखना नाइट्रो साइनो में डिसाइड करो, तो साइनो जो है विड्रोविंग इफेक्ट कम शो करता है एज कंपेयर नाइट्रो, तो इसलिए अपन को बी और सी में से सी बेटर लेना चाहिए, वो यहाँ दे रखा है या नहीं दे रखा, तो इसलिए अपना आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा, थर्ड रहेगा। तो अपन ऑप्शन की हेल्प से भी आगे बढ़ सकते, ऑप्शन अपने पास है। नेक्स्ट देखिए इसके बाद 54। स्टेबिलिटी ऑफ गिवन फ्री रेडिकल इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। आपके पास फ्री रेडिकल गिवन है, स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है। आपके पास जो फ्री रेडिकल है, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी आप रेजोनेंस से, हाइपर कंजुगेशन से, इंडक्टिव से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अभी प्रेजेंट में जो मेरे पास फ्री रेडिकल है, रेजोनेंस लाइक तो कोई फिनोमिना इसमें है नहीं, हाँ हाइपर कंजुगेशन एक इफेक्ट पॉसिबल है। इस फ्री रेडिकल के लिए अल्फा एच 3 है जो हाइपर कंजुगेशन शो कर रहे हैं। इस फ्री रेडिकल के लिए वो अल्फा एच का नंबर 6 हो गया क्योंकि बहुत साइड के कार्बन अल्फा, उनके एच जो है अल्फा एच, यहाँ पे अपन कहें तो अल्फा एच क्या है, 9 है, और यहाँ अपन कहें तो अल्फा एच 0 है। तो सबसे बेटर यहाँ पे कौन सा होगा डिक्रीजिंग में, सबसे बेटर अपन कहें तो सी, सी सी सी, तीन ऑप्शन में सी दिया है, सी के जस्ट बाद आपको देना चाहिए बी, बी यहाँ भी बी है यहाँ नहीं है, तो इसका मतलब ये दोनों आंसर तो नहीं जाएंगे। अब सी के बाद बी ले लिया, फिर अपने को लेना था ए, वो यही दिया हुआ, इसलिए आंसर कंफर्म हुआ 4। नेक्स्ट देखें इसके बाद 54 हो गया, 54 के बाद 55। मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल में, आपको मोस्ट एसिडिक एच बताना है। आप जानते हैं एच के रिमूव होने के बाद कंजुगेट अगर बेटर फील करता है, कंजुगेट बेस अगर स्टेबल होता है रेजोनेंस से या अदर किसी इफेक्ट से, तो इसका मतलब वो एसिड जो होगा बेटर होगा। तो यहाँ पे ये जो आपने 2CO CO लिए हैं, इन बिटवीन 2CO के जो ये कार्बन का एच है, अगर ये रिमूव करते हो, आप एच पॉजिटिव रिमूव करते हो, तो रेजोनेंस शो करेगा वो बोथ साइड के CO से। ये हालांकि एच यहाँ भी है, लेकिन अपन उसमें से ज्यादा बेटर लेना चाहते हैं तो वो लेंगे। अब अगर अपन सेकंड में आए तो उसके कंपैरिजन में पुअर मानूंगा मैं इसे, क्योंकि यहाँ पे सीओ का नंबर ही 1 है। अगर अपन थर्ड ऑप्शन पे काम करें, ये जो थर्ड आपको दिया है ये क्या है, कार्बन पे एच है बेटा, और इसकी 3 साइड में एसिटिल ग्रुप अटैच है, ये वाले, यहां एसिटिल आ गया, यहां पे भी एसिटिल आ गया, ये अपने पास था, तो मुझे लगता है इस एच को रिमूव करने के बाद तो 3 साइड का सीओ 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 3 साइड का रेजोनेंस मिलेगा ऐसा। और जो थर्ड के बाद ये जो फोर्थ दिया हुआ है, फोर्थ क्या है बेटा, फोर्थ अलग मॉलिक्यूल है COH, यहाँ मिथाइल टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल है, तो अल्कोहल यहाँ पे अपन नहीं लेंगे क्योंकि एच रिमूव करने के बाद नेगेटिव को कोई रेजोनेंस नहीं मिलेगा। तो यहाँ इन तीनों में कंपेरिजन था, और तीनों के कंपेरिजन में अपन कहें तो ज्यादा बेटर कौन सा होगा, थर्ड होगा।
नेक्स्ट गए हम इसके बाद 56 अरेंज द स्टेबिलिटी ऑफ गिवन कार्बोकेटायन। आपके पास कैटायन है, स्टेबिलिटी आपको बतानी है। आपको मालूम है ये जो भी कैटायन आपको आपको शो किए गए हैं ये बेंजीन के साथ रेजोनेंस में, ये कॉमन फैक्ट है इनको स्टेबल करने का, 4K4 कैटायन रेजोनेंस से स्टेबलाइज है। पर अब आपको ये देखना है कि यहाँ पे ये जो ग्रुप प्रेजेंट है इनका क्या रोल रहेगा स्टेबिलिटी इंक्रीज करने में या डिक्रीज करने में। तो यहाँ पे ये जो OH है या जो NH2 है आपको मालूम है दोनों के दोनों ही प्लस R ग्रुप है, और रेजोनेंस से अगर कैटायन को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किए जा रहे तो इसका मतलब स्टेबिलिटी इंप्रूव होगी। तो NH2 और OH में से हमें मालूम है NH2 जो होता है वो बेस्ट होता है, रीजन EN का फैक्टर होता है। और यहाँ पे ये जो NH है तो ये भी नाइट्रोजन, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसकी साइड में CO जो ग्रुप है वो इसे विड्रॉ करेगा, मतलब ये लोन पे टू साइड का है, रिंग में भी रेजोनेंस कर सकता है, CO से भी कर सकता है। तो इसको मैं इतना बेटर नहीं कंसीडर करूंगा, OH के भी बात लूंगा। और CL हैलोजन तो अपने को मालूम है वैसे भी क्या होते हैं, विड्रॉवर होते हैं। तो ओवरऑल चारों में एक कंपेरिजन ऑर्डर लिखे तो सबसे बेटर क्या आएगा, 3 और फिर उसके बाद 2। तो 3 अपने पास इस आंसर में नहीं है, छोड़िए, इसमें भी नहीं है, छोड़ दीजिए। 3 और यहाँ पे 3 दिया और किसी में 3 नहीं दिया, तो कंफर्म आंसर आपके पास कौन सा होगा, सेकंड आंसर होगा। क्योंकि 3 के बाद देख लीजिए 2 दे दिया, 2 के बाद अपन कहें तो 1 दिया है, क्योंकि कम से कम डोनेट कर रहा है और हेलोजन जो है वो विड्रॉवर है। नेक्स्ट गए हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 57, विच ऑफ द फॉलोइंग सिग्मा बॉन्ड पार्टिसिपेट इन हाइपर कंजुगेशन। अब हाइपर कंजुगेशन की कंडीशन क्या है बेटा, एक एल्कीन के पास उसके पास जो अल्फा एच होता है वो अल्फा एच हाइपर कंजुगेशन में पार्टिसिपेट करता है। तो यहाँ पे ये अपने पास एक एल्कीन है, एल्कीन के लिए ये वाला एच अल्फा एच है, एल्कीन के लिए ये वाला अल्फा एच है, बाकी तो कोई अल्फा एच है ही नहीं बेटा। तो इसलिए अपन किसको पार्टिसिपेट करवा ले, एक तो 1 नंबर वाले के साथ और ये जो 4 नंबर वाले के साथ अटैच है, बाकी कोई ऑप्शन है नहीं। 1-2 रॉन्ग है, 1-3 रॉन्ग है, 2-3 रॉन्ग है, 1-4 राइट है। ओके, नेक्स्ट देखो इसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 58, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एरोमेटिक कैरेक्टर। अब एरोमेटिक बताना है बेटा, जो आपका फर्स्ट मॉलिक्यूल है आपको मालूम है साइक्लिक है, प्लेनर है, रेजोनेंस है, बट 4π का, और 4π से ये सिस्टम क्या है, एंटी एरोमेटिक। तो ये अपने आंसर में नहीं आएगा। नेक्स्ट सेकंड वाले में भी 2 और 2 4π का रेजोनेंस है, तो ये भी आंसर में नहीं लेना क्योंकि 4π वाला एंटी एरोमेटिक में आता है। 2, 4, 6 और फेमस ट्रोपोलियम कार्बोकेटायन है, तो यहाँ पे साइक्लिक प्लेनर रेजोनेंस और वो भी 6π का, तो एरोमेटिसिटी में जाएगा। ये वाला भी अपन कहें तो 6π का रेजोनेंस इसमें भी है, तो ये भी एरोमेटिक में जाएगा। 3 और 4, तो 2 only 3 और 4, तो ये ही आपके पास प्रॉपर आंसर रहा बेटा, 3 और 4 वाला। नेक्स्ट देखें इसके बाद 59, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिनॉल इज मोस्ट एसिडिक इन कैरेक्टर। तो आपके पास फिनॉल डेरिवेटिव्स दिए हुए हैं, नेम है, पहले आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करें फिर मोस्ट एसिडिक देखेंगे। 2, 4, 6 ट्राइसाइनोफिनॉल, फिनॉल बेटा ये है, 2 पे 4 पे 6 पे अगर अपन साइनो की एंट्री कराए, फर्स्ट मॉलिक्यूल ये है। सेकंड है 2, 4 डाइमेथिल फिनॉल, फिनॉल ये है 2 पे और 4 पे साइनो है। 2, 4 डाइमिथाइल फिनॉल यहाँ पे अपन को दिया है सेकंड ऑप्शन में मिथाइल। थर्ड में पैरासाइनोफिनॉल, ये फिनॉल है, पैरा लोकेशन पे साइनो आ रहा है। और फोर्थ में 3, 4 डाइसाइनोफिनॉल, ये फिनॉल है 3, 4 डाइसाइनो, 3 और फिर उसके बाद 4, 3, 4 डाइसाइनोफिनॉल। अब इन 4 मॉलिक्यूल में से अगर अपन को कंपेयर करना है, मोस्ट एसिडिक बताना है, बेटर एसिडिक बताना है, तो आपको मालूम है जब ये एच रिलीज होगा नेगेटिव आएगा तो उस रेजोनेंस के अंदर बेंजीन रिंग पे नेगेटिव चार्ज आता है। सभी नेगेटिव के लिए आपने सेपरेटली साइनो लगाया है और कहीं भी ऐसा नहीं है, तो यहाँ पे 2 है, या ये इसमें माइनस आर का काम करेगा, ये फिर भी नेगेटिव का काम करेगा, ये दोनों तो डोनर का काम करेंगे। तो इसलिए सबसे बेटर, आप इसका एक मॉडिफिकेशन आपने पढ़ा होता है पिक्रिक एसिड, बस पिक्रिक की जगह इसने नाइट्रो नाइट्रो ना दे करके क्या दिया है, साइनो दिया है, तो इसलिए आंसर वही रहेगा, फर्स्ट आंसर आएगा बेटा। नेक्स्ट कहें हम इन द हाइड्रोकार्बन, ये हाइड्रोकार्बन गिवन है, स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन 1, 3, 5। देखो बेटा यहाँ क्वेश्चन इजी है पर ध्यान से करना है। एक तो बेटा ये 1 नंबर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन जानना चाह रहा है, एक 3 नंबर वाले का जानना चाह रहा है,
और उसके बाद ये जानना चाह रहा आपसे फाइव नंबर वाले। तो वन नंबर वाला ट्रिपल बॉन्डेड है, नो डाउट कौन सा होगा, एसपी। तो एसपी ये आंसर नहीं है, फर्स्ट में एसपी नहीं दिया, यहाँ एसपी दिया है, यहाँ एसपी दिया है, ये नहीं दिया। तो इसके लिए आपको कंपैरिजन सिर्फ टू और थ्री में करना रहेगा, ऑप्शन के साथ साथ हेल्प लिया करो। थ्री नंबर वाला सिंगल बॉन्डेड है, एसपी थ्री होगा, तो एसपी थ्री यहाँ पे ये रॉन्ग हो गया, तो इसलिए आंसर एसपी के बाद एसपी थ्री ये श्योर हो गया, और ये वाला एसपी टू है, डबल बॉन्डेड वाला है। नेक्स्ट इसके बाद कहें 61, विच कंपाउंड शो डायपोल मूवमेंट, इनमें से आपको वो मॉलिक्यूल बताना है जो डायपोल मूवमेंट शो करे। चलो चेक करते हैं, 1,4 डाइक्लोरो बेंजीन, बेंजीन पे 1 and 4 पे 2 क्लोरो दिए हो, 1,2 डाइक्लोरो बेंजीन, ये 1,2 डाइक्लोरो बेंजीन है, फिर ट्रांस 1,2 डाइक्लोरो एथीन, एथीन ये एथीन है, और उसमें भी ट्रांस पे 1,2 डाइक्लोरो ये मॉलिक्यूल रहेगा, ट्रांस 2 ब्यूटीन, ये बेटा जी अपने पास ट्रांस 2 ब्यूटीन है। अब इन फोर मॉलिक्यूल में देखें तो डायपोल मूवमेंट शो करने वाला आपको बताना है, तो फर्स्ट तो आंसर नहीं आएगा, रीजन इस क्लोरो के लिए बॉन्ड मूवमेंट यहाँ कैंसिलेशन इफेक्ट आएगा, तो ये अपने आंसर में नहीं रहेगा। एज यूजुअल इसके लिए भी क्लोरो क्लोरो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, ये भी अपने आंसर में नहीं रहेगा। मैथिल मैथिल का इफेक्ट तो डोनेटिंग है, पर दोनों जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है, कैंसिलेशन करेंगे, और यहाँ वो कैंसिलेशन इफेक्ट काम नहीं करेगा, बोले तो यहाँ पे डायपोल की डायरेक्शन ये रहेगी, और दोनों दोनों बॉन्ड मूवमेंट एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पाएंगे, यही अपना आंसर है, क्योंकि मॉलिक्यूल में पोलैरिटी रहेगी, डायपोल मूवमेंट का कुछ वैल्यू रहेगा। तो आंसर क्या देना है, सेकंड देना है। नेक्स्ट कहें हम 62, मीजोमेरिक इफेक्ट इन्वॉल्व डीलोकलाइजेशन ऑफ, मीजोमेरिक इफेक्ट में जो डीलोकलाइजेशन होता है, मीजोमेरिक क्या है, रेजोनेंस इफेक्ट, पाई इलेक्ट्रॉन का, सिग्मा का, प्रोटॉन का, नन ऑफ दीज, तो नो डाउट पाई इलेक्ट्रॉन, क्योंकि मीजोमेरिक इफेक्ट जो है, रेजोनेंस इफेक्ट जो है, वो पाई बॉन्ड का एक इफेक्ट है, तो पाई बॉन्ड का सिंपल एक फैक्ट की बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसी डज नॉट एग्जर्ट ए रेजोनेंस इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट शो नहीं करने वाली स्पीसी, फर्स्ट वाले में आप जानते हैं C6H5 ये है, अगर आप उस पर NH2 देंगे तो नो डाउट नाइट्रोजन का लोन पेयर बेंजीन रिंग से रेजोनेंस करेगा। सेकेंड ऑप्शन में आपको दिया है बेटा एनिलिनियम आयन, और एनिलिनियम आयन ही आपका आंसर है, वजह उसकी, अगर आपको लगता है कि प्लस और पाई अल्टरनेट है, रेजोनेंस होना चाहिए, तो रेजोनेंस की वैरायटी ये अगर आप बताते हैं तो उसमें प्रॉब्लम ये है बेटा, नाइट्रोजन की जो बॉन्डिंग है वो 5 हो रही, तो इसलिए अपन ये वाला रेजोनेंस अवॉइड करते हैं, ऐसा रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अपन को रेजोनेंस में वही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी होती है जो वैलेंसी रूल के अकॉर्डिंग आती हो, तो वो वैलेंसी रूल के अकॉर्डिंग नहीं आ रही, तो ये अपना आंसर भी रहेगा। बाकी आप जानते हैं फिनॉल होता तो भी रेजोनेंस करेगा, क्लोरोबेंजीन होती तो नो डाउट, अगर आप फिनॉल लेते हैं तो भी लॉन पेयर एनिलीन लाइक रेजोनेंस कर सकता है, अगर आप क्लोरोबेंजीन लेते हैं तो भी वहां पे सेम पैटर्न है, एनिलीन, फिनॉल, क्लोरोबेंजीन, सभी में रेजोनेंस होगा, ये आपका फाइनल आंसर है एनिलीनियम आयन। नेक्स्ट कहें 64, क्लोरोएसिटिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग एसिड देन एसिटिक एसिड, भाई एक आपके पास ये क्लोरोएसिटिक एसिड हो और एक आपके पास एसिटिक एसिड हो, इन दोनों में से अगर अपन कहें तो क्लोरोएसिटिक एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग है, इसके पीछे रेस्पॉन्सिबल फैक्टर क्या है, आपको मालूम है एसिड का प्रोटॉन रिलीज होता है तो नेगेटिव चार्ज जो आएगा वो नेगेटिव चार्ज जो है उसको क्लोरो जो ग्रुप है उसको विड्रॉ करेगा, यहाँ जाए तो ये मिथाइल उसके लिए डोनेट करेगा, क्लोरो विड्रॉ करता है इसलिए वो ज्यादा बेटर एसिडिक, तो क्लोरो का जो विड्रॉइंग इफेक्ट है वो कौन सा है, इंडक्टिव इफेक्ट, प्लस माइनस एम रॉन्ग है, माइनस आई प्रॉपर है, प्लस एम ये भी रॉन्ग है, प्लस आई ये भी रॉन्ग है, क्योंकि इसका जो इफेक्ट काम कर रहा है क्लोरो का वो कौन सा है, माइनस आई, तो इसलिए आपको आंसर क्या देना चाहिए, सेकंड देना चाहिए। अरेंज द कार्बन आयन डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी, ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी, ये आपके पास कार्बन आयन गिवन, स्टेबिलिटी का ऑर्डर लगाना है, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर में देखो बेटा, सबसे पहले आपको 3 डिग्री दिया, फिर CCl3 माइनस दिया, नेक्स्ट ये 2 डिग्री दे दिया, और ये वाला दिया है, तो देखो यहां पे ये जो आपको कार्बन आयन गिवन है CCl3 नेगेटिव, आपको मालूम हो हैलोफॉर्म रिएक्शन में भी यही वाली स्पीसी होती है जो एज ए लिविंग ग्रुप रिलीज होती है, ये वही वाला है, हैलोफॉर्म रिएक्शन अपन कराते हैं,
तो ये नेगेटिव चार्ज जो है वो इस सीएल के साथ क्या करता है, डी ऑर्बिटल रेजोनेंस करता है। जबकि अगर अपन इसके बाद कहें तो अपने पास एक स्पीसी है ये वाली, रेजोनेंस इसमें भी है, बेंजिल कार्बन आयन है, लेकिन उतना बेटर नहीं कह सकते अपन। यहां तो अपन कहें तो चार्ज जो है वो परमानेंटली वहां एक बॉन्डिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ भी रेजोनेंस है पर ज्यादा बेटर ये रहेगा डी ऑर्बिटल रेजोनेंस, फिर ये रहेगा। उसके बाद आपके पास जो रिमेनिंग स्पीसी है ये मैंने ले ली है, ये ले ली मैंने, और फिर रह गया 2 डिग्री, एक आपके पास एनायन रह गया 2 डिग्री और एक एनायन रह गया आपके पास 3 डिग्री। अब आप जानते हैं कि ये जो ग्रुप है वो डोनर होते हैं, तो डोनर ग्रुप इंक्रीज होने से स्टेबिलिटी इंक्रीज होने की बजाय क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो ये क्वार्टर बना। अब चेक करो कि इसमें फर्स्ट प्रॉपर नहीं है, CCl3 आगे नहीं दिया, सेकंड प्रॉपर नहीं है, वहां भी नहीं है, तो एक ही एक सिंगल ऑप्शन है जहां CCl3 नेगेटिव दे रखा है, फिर ये बेंजिल दे रखा है, 2 डिग्री दे रखा है, 3 डिग्री दे रखा है, थर्ड आंसर आएगा बेटा। नेक्स्ट कहें अपन 66, इंडक्टिव इफेक्ट इन्वॉल्व। इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होगा, डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। नो डाउट इंडक्टिव इफेक्ट सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स के लिए तो होता है, लेकिन डीलोकलाइजेशन या डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, ये दो वर्ड पे जाना है अपने को, एक है विस्थानीकरण एक है विस्थापन। तो डीलोकलाइजेशन बेटा रेजोनेंस की टर्मिनोलॉजी है हाइपर कंजुगेशन की, तो इसलिए अपन को फर्स्ट आंसर पे नहीं जाना। डीलोकलाइजेशन में टोटली इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं, लेकिन यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट में अपन जानते हैं क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। कार्बन चेन पे कोई एटम अटैच होता है, वो अपनी ईएन से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड थोड़ा शिफ्ट करेगा, ना कि वो उसको डीलोकलाइज करेगा, तो इसलिए आंसर जो जाता है वो कौन सा, सेकंड। और वैसे पाई इलेक्ट्रॉन का तो ये इफेक्ट ही नहीं होता, तो थर्ड और फोर्थ पे तो जाने की जरूरत ही नहीं आपको। नेक्स्ट कहें अपन इसके बाद 67, टोटल नंबर ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर शोविंग हाइपर कॉन्जुगेशन। भाई आपके पास एक कैटायन गिवन है, उस कैटायन के लिए आपको हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर का नंबर बताना है, तो आपको मालूम है जो भी कैटायन है उस कैटायन के पास में जो अल्फा कार्बन है उनके जो एच है वो काउंट कर लीजिए, वही नंबर आएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो अल्फा एच कितने हैं, 3, यहाँ कितने हैं, 2, और यहाँ कितना है, 1। ये वाले 2 ले लो, ये वाले 3 ले लो, 1 ये ले लो, टोटल कितने हो गए, 6। तो यहाँ पे है भी देखो एक इन्वॉल्विंग CH बॉन्ड, आपको हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर भी बतानी है जहाँ CH बॉन्ड इन्वॉल्व हो, तो नो डाउट ये जो अल्फा लोकेशन के एच हैं यही हाइपर कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व होते हैं, उनका नंबर 6 है, तो इसलिए आपको आंसर भी क्या देना है, 6 देना है। नेक्स्ट कहें हम इसके बाद 68, IHD इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी वैल्यू फॉर 135 हेक्साट्राइन। काफी इजी क्वेश्चन है बेटा, हेक्साट्राइन, हेक्सा का मतलब 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है, 1 फिर 3 फिर उसके बाद अपन कहें तो 5, तो ये आपके पास था 135 हेक्साट्राइन। इस मॉलिक्यूल के लिए हाइड्रोजन डेफिशिएंसी, तो बेटा यहाँ पे पाई बॉन्ड, यहाँ पाई बॉन्ड, यहाँ पाई बॉन्ड, सभी पाई बॉन्ड का टोटल नंबर कितना आया, 3 आया, तो यहाँ पे IHD इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी कितना आएगा, 3 आएगा, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन भी कह सकते हैं अपन इसे। कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग एल्कीन्स, आपके पास एल्कीन गिवन है, स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है, तो देखो बेटा यहाँ पे फर्स्ट मॉलिक्यूल, सेकेंड मॉलिक्यूल और लास्ट मॉलिक्यूल, ये तो 1-1 बॉन्ड कंटेनिंग है, जबकि अगर अपन सी देखते हैं तो यहाँ पे बॉन्ड का नंबर है 2, और वो भी अल्टरनेट बॉन्ड आ रहे हैं, तो रेजोनेंस हो रहा है, क्योंकि अपन जब स्टेबिलिटी चेक करते हैं तो रेजोनेंस उसमें फर्स्ट इफेक्ट आएगा, फिर उसके बाद अपन देखेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन। तो इसको छोड़ दें तो बाकी मैं आपको हाइपर कॉन्जुगेशन से देखना, और हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए आप क्या देखेंगे, अल्फा एच। तो इस डबल बॉन्ड के लिए अगर मैं अल्फा एच देखूं, 3-3-6 और 6 और 2 8 और 2 10, इसके लिए तो आया वो वैल्यू कितना, 10। अगर अपन यहाँ देखते हैं तो 2 और यहाँ से 3 और एक यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 3 5 5 और 1 6, अल्फा एच का नंबर आ गया 6। यहाँ पे इस डबल बॉन्ड के लिए देखते हो तो 2 और 2 4 आया, तो इनका तो सीधा सीधा ये था, और सी सबसे बेटर था, तो सी सबसे बेटर दो ही आंसर में है, तो आपको दिमाग यही लगाना है, सी तो सबसे आगे लीजिए स्टेबिलिटी बतानी है, तो सी के बाद अपन को ए लेना है, क्योंकि अल्फा एच का नंबर 10 वहां पे, सी के बाद ए, तो एक सिंगल आंसर में है, सी के बाद आ गया ए, फिर बी आना था और फिर डी आना था, बिल्कुल इसके अंदर ऐसा भी है। 69 के बाद देखो 70, कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ अबव इंटरमीडिएट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। आपके पास इंटरमीडिएट है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है, और वो भी कैसा, डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो हाई जो सबसे बेटर इंटरमीडिएट है वो फर्स्ट में लेना है।
आप देखो बेटा यहाँ पे एक प्लस है, उस प्लस के पास पाई बोन है और पाई के जस्ट बैक साइड में लॉन्ग पेयर है, तो यहां से एक रेजोनेंस होगा और इस रेजोनेंस में वो प्लस जो है वो नाइट्रोजन पे आ जाएगा, एक ऑक्टेट कंप्लीशन की कंडीशन आएगी। लॉन्ग पेयर डोनेट करने से नाइट्रोजन पे प्लस तो आएगा लेकिन ऑक्टेट कंप्लीशन प्रोवाइड करने वाला रेजोनेंस सबसे बेटर माना जाता है। ये पोजीशन यहाँ है, बिल्कुल यही सेम पोजीशन यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पे एक डीमेरिट ये रहेगी जो प्लस चार्ज आएगा वो एन पे नहीं ओ पे आएगा, तो इसको मैं सेकेंड नंबर पे रख सकता हूँ। अब थर्ड वाले पे जाए अपन, तो यहाँ पे तो ऐसा रेजोनेंस ही नहीं है क्योंकि ये जो प्लस है इस प्लस का इस पाई से रेजोनेंस ही नहीं हो रहा, जबकि अगर मैं डी में देखता हूँ तो कम से कम रेजोनेंस हो रहा है, हालांकि वो ए और बी लाइक तो नहीं है, तो ये तो सबसे बेटर मुझे बताना ही है स्टेबिलिटी में, तो ए सबसे बेटर, बी बाद में, ए बी, और इन ऑप्शन में अपन को जाना नहीं क्योंकि ए बी को दे ही नहीं रहा। अब सी और डी में से अपने को किसे लेना चाहिए, डी को, तो इसलिए आपको आंसर कंफर्म क्या करना होगा, थर्ड आंसर। नेक्स्ट देखिए बेटा इसके बाद विच ऑर्डर इज करेक्ट, अब आपको यहाँ पे करेक्ट ऑर्डर बताना है। आपके पास ये दो स्पीसी है, दो कार्बन आयन है, दो कार्बन आयन के अंदर ही स्टेबिलिटी बता रहा है, फर्स्ट वाले की ज्यादा बेटर बता रहा है, तो यहाँ पे फर्स्ट वाले की ज्यादा बेटर बता रहा है, ठीक है। रीजन, कार्बन पे जहां नेगेटिव चार्ज आ रहा है उसके साथ वाला कार्बन एच 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 कंटेनिंग, और एक बार वहां पे क्या अवेलेबल है, कार्बन पे जहां नेगेटिव है वहां डी डी और डी अटैच। अपने को मालूम है ये वाली कार्बन चेन इस कार्बन के लिए डोनर रहेगी, ये भी डोनर रहेगी, और आपको मालूम है कार्बन एच की बजाय कार्बन डी जो बॉन्ड है वो ज्यादा बेटर होता है, ज्यादा अच्छा इंडक्टिव शो करता है, तो ज्यादा डोनेट करेगा तो उसे स्टेबल थोड़ी करेगा, अनस्टेबल करेगा, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर बिल्कुल प्रॉपर दिया है फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग देखें तो। अब आप जाओ ये प्रॉपर है, सेकंड में जाए अपन तो नेगेटिव जो है वो बेंजीन से रेजोनेंस कर रहा है। अब देखना ये था कि बेंजीन के साथ इस मेथिल का या CD3 का क्या रोल है, अगर आप कार्बन के ऊपर H लगाएंगे तो हाइपर कंजुगेशन का इफेक्ट जो होगा वो ज्यादा बेटर होगा, और अगर आप D लगाएंगे तो हाइपर कंजुगेशन पुअर होगा क्योंकि CH CD और CT बॉन्ड एनर्जी जो होती है वो ये रहती है, तो इस वजह से एच डी और टी में से इंडक्टिव टी अच्छा शो करता है, हाइपर कंजुगेशन अच्छा एच शो करता है, तो अगर ये हाइपर कंजुगेशन से ज्यादा बेटर डोनेट करेगा तो नेगेटिव को कंफर्टेबल नहीं रहेगा, तो डी वाला ज्यादा बेटर है, तो बी वाला भी बिल्कुल प्रॉपर आ रहा है। सी वाले में अगर अपन जाते हैं तो फिनॉल किया एसिडिक बिहेवियर का ऑर्डर, वैसे देखने में लगता है कि ज्यादा बेटर फ्लोरो होना चाहिए, पर अपने को मालूम है हेलोजन के केस में उल्टा होता है, फ्लोरो क्लोरो दोनों में से ज्यादा बेटर विड्रोवर कौन होता है, क्लोरो। रीजन उसका क्योंकि फ्लोरो के केस में रेजोनेंस भी बेटर होता है और इंडक्टिव भी बेटर होता है, लेकिन क्लोरो वाले केस में अपने कहें तो क्या रहता है, इसमें रेजोनेंस इफेक्ट उतना डोमिनेट नहीं होता, इंडक्टिव उसमें डोमिनेट होता है क्योंकि थ्री जो सीएल है उसका साइज बिगर होने की वजह से रेजोनेंस उतना प्रॉपर होता नहीं, तो फ्लोरो क्लोरो में से अगर विड्रोविंग इफेक्ट देखा जाता है ओवरऑल तो क्लोरो का ज्यादा बेटर है, तो ये भी ज्यादा सही है बेटा। फिर अपन जाए एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी, तो आपके पास जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका जब आप प्रोटॉन रिलीज करेंगे तो बैक साइड का विड्रोवर ट्रिपल बॉन्डेड एसपी हाइब्रिड वाला है, जबकि यहाँ पे SP2 हाइब्रिड वाला है, तो एसपी वाला ज्यादा बेटर होता है बजाय किसके, SP2 के, तो ये भी सही है बेटा डी भी। तो सभी ऑर्डर ABCD जो भी दिया है प्रॉपर है, तो फर्स्ट नहीं, सेकेंड नहीं, थर्ड नहीं, थर्ड आएगा इसमें, थर्ड आंसर आएगा बेटा। नेक्स्ट कहें हम इसके बाद 72, टोटल नंबर ऑफ 2 डिग्री कार्बन प्रेजेंट इन गिवन कंपाउंड इज एक्स, आपको एक नंबर काउंट करना है पहले 2 डिग्री कार्बन का, और फिर जो नंबर आ जाए उसमें से 7 माइनस करके अपना फाइनल आंसर बताना है। तो पहले आप 2 डिग्री काउंट करो बेटा, यहाँ पे कौन कौन से है, तो यहाँ मैं 2 डिग्री पे मार्क कर देता हूँ, ये 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, एज यूजल अपन कहे, क्योंकि जिस कार्बन के साथ 2 कार्बन अटैच है। अब यहाँ पे ये वाला भी 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है, ये वाला भी 2 डिग्री, ये भी और ये भी, ये 2 डिग्री आगे बेटा, और रिमेनिंग लोकेशन जो है उसमें से अपन देखें तो ये वाला कार्बन नहीं लेना क्योंकि ये 3 डिग्री है, ये भी नहीं लेना 3 डिग्री है, ये भी नहीं लेना क्योंकि 3 डिग्री है, ये भी नहीं लेंगे क्योंकि 3 डिग्री है, बट ये और लो भाई, ये वाला और लो क्योंकि इस कार्बन की बोथ साइड में कार्बन है, एक तो क्लोरो आ गया तो ये भी 2 डिग्री, ऐसे फिर अपन को ये भी लेना चाहिए क्योंकि इसकी भी बोथ साइड में कार्बन है, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, यहाँ से हो सकता है काउंटिंग में थोड़ी मिस्टेक कोई करेगा तो यहाँ यहाँ करेगा, बाकी तो नॉर्मली काउंट हो ही रहे। ये था बेटा, और ये नहीं लेना 3 डिग्री है, ये भी नहीं लेना 3 डिग्री, ये भी 3 डिग्री, तब आपको इसमें से काउंट कर रहे थे
कौन कौन से, 2 डिग्री, तो आप 2 डिग्री पे मार्क करते जाइए, 2 डिग्री 2 डिग्री, ये वाला भी 2 डिग्री, ये वाला भी 2 डिग्री, ये वाला भी 2 डिग्री, एज यूजुअल ये भी 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री, और यहाँ पे अपन कहें तो ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री, ये आपके पास 2 डिग्री आ गए। तो 1 2 3 4 तो यहाँ हो गए, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 वैल्यू आ गया आपका, किसका, x का, x माइनस 7, 13 माइनस 7 करेंगे तो आपके पास आएगा 6, तो यहाँ पे आपका आंसर जो कंफर्म रहेगा वो क्या रहेगा, 6। इजी है, बस थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है, ये वाली लोकेशन हो सकता है कहीं कंफ्यूज करे आपको। 73, इन एलीन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम, अब एलीन होता क्या बेटा, कम्यूलिन फैमिली का फर्स्ट मेंबर, एक फैमिली होती है ऑप्टिकल ज्योमेट्रिकल, जिसके अंदर काफी इंपॉर्टेंट केस बनते हैं ऑप्टिकल के, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के, और इसमें बॉन्डिंग भी एक स्पेशल टाइप की होती, वो बात नहीं पूछी उसने, तो सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन की बात की है। तो ये वाला जो कार्बन है बेटा sp2, मिड वाला जो कार्बन है sp, और लास्ट वाला जो कार्बन है वो कौन सा, sp2। एलीन में अपन कहें हाइब्रिडाइजेशन sp2 एंड sp, sp3 रॉन्ग है, sp2 ये प्रॉपर है, ओनली sp2 रॉन्ग है, sp2 sp3, तो यहाँ पे आपको सेकंड आंसर देना चाहिए। 74, इन द फॉलोइंग कार्बोकेटायन HCS3 दैट इज मोस्ट लाइकली टू माइग्रेट द पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन, आपके पास ये जो पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन है उसके ऊपर माइग्रेशन के लिए ज्यादा बेटर क्या रहेगा, तो नो डाउट बेटा यहाँ पे अपन देखें तो आप या तो ये वाला एच माइग्रेट करके यहाँ लाएंगे, या ये 4 नंबर वाला एच यहाँ पे माइग्रेट करेंगे, तो मुझे लगता है कि अपने को 2 नंबर वाला एच माइग्रेट करना चाहिए। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों, क्योंकि बेटा जैसे ही +2 वाले कार्बन पे जाएगा तो वहां पे उसको क्या मिलेगा, ऑक्सीजन की लोन पेयर की एक बैक बॉन्डिंग मिलेगी, ऑक्टेट कंप्लीशन वाला रेजोनेंस मिलेगा, तो ये 2 नंबर वाला एच सबसे बेटर है। CH3 नहीं माइग्रेट करेंगे, CH3 नहीं माइग्रेट करेंगे, एच माइग्रेट करेंगे, एच भी कौन सा, C4 वाला नहीं, C2 वाला, 4 नंबर आंसर आएगा। 75, फाइंड आउट करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रिपलेट कार्बिन, सिंगलेट कार्बिन में तो क्या होता है, सिंगलेट कार्बिन में जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो पेयरिंग की फॉर्म में रहेगा जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये तो अपने को लेना नहीं। ट्रिपलेट के अंदर क्या रहता है, ट्रिपलेट एक बेटर कार्बिन है, ट्रिपलेट में हाइब्रिडाइजेशन sp रहता है, लीनियर रहेगी कार्बिन, जैसे ये लीनियर दे रखी है, ये लीनियर दे रखी है, अब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो होता है वो दोनों अलग अलग ऑर्बिटल में होता है, यहाँ भी दोनों अलग में है, ये दोनों भी अलग में, देखो ये अलग ऑर्बिटल है, ये अलग ऑर्बिटल है, आपको यहाँ पे स्पिन देखना था, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन में दिया हुआ है, स्पिन दोनों इसके क्या है सेम, और उसमें स्पिन अपोजिट है, तो ये भी नहीं, ये वाला आंसर अपने को कंफर्म करना है। हालांकि कंफ्यूजन इस बात का रहेगा कि पास पास देख के अपने को लगता है एक ऑर्बिटल में, एक में नहीं है बेटा, है दोनों अलग अलग ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट देखिए इसके बाद 76, विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन, अब मोस्ट स्टेबल बताना है, ये प्लस है, प्लस के पास ये रेजोनेंस होगा और यहाँ लोन पेयर जाकर के ऑक्टेट कंप्लीशन होगा, और ऐसा मुझे लगता है और कहीं भी नहीं है, हालांकि इस प्लस के लिए भी यहाँ 3π का रेजोनेंस है, लेकिन प्लस कहीं भी ऑक्टेट कंप्लीट की कंडीशन में नहीं आएगा, ऑक्टेट इनकम्प्लीट करता रहेगा, तो इसलिए अपन को फर्स्ट सबसे बेटर में लेना है। नेक्स्ट देखिए 75, आपके पास बेंजोइक एसिड है, आप उसको ये रिएक्ट करा रहे हैं, मोलर मास ऑफ गैस ABCD ई, सो द वैल्यू ऑफ ई, तो यहाँ पे आपको सम करना है। अब होता क्या है, किसी भी एसिड में जब आप मेटल, सोडियम मेटल डालते हैं तो कौन सी गैस पास होती है, हाइड्रोजन। अगर NaH लेते हैं तो H- भी क्या करता है, एसिड का H+ लेके कौन सी गैस पास करेगा, H2। फिर यहाँ पे NaNH2 लिया तो Na+ और NH2- है, तो NH2- H को लेके कौन सी गैस पास करेगा, अमोनिया। और सोडियम बाइकार्बोनेट का बाइकार्बोनेट H+ लेके जब H2CO3 बनाएगा तो ब्रेक होकर के जो गैस देता है वो कौन सी देता है, CO2। तो फाइनली आपको H2 अमोनिया और एक CO2 गैस का जो मास बन रहा है वो टोटल सम करके बताना है, H2 का कितना 2, H2 का कितना 2, अमोनिया का कितना, नाइट्रोजन का तो 14 हो गया और हाइड्रोजन का अपन कहें तो 3, तो टोटल आ गया 17, और CO2 में कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 और सेकेंड ऑक्सीजन का, क्योंकि CO2 में ऑक्सीजन कितने 2, तो ये आप सम कर लो बेटा, 6, 6, 12, 12 और 2, 14 और 14 और 7 अपन गए 21, 23, 25, 2,
टू और वन थ्री फोर फाइव सिक्स, तो 65, तो ये आपका फाइनल आंसर रहेगा बेटा 65। नेक्स्ट का है अपन इसके बाद 78। अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बोन एनर्जी। अब बोन एनर्जी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करना है, तो देखो कहीं भी सी एच बोन्ड की बोन एनर्जी की बात आती है तो आप उसको सबसे पहले यूं चेक करिए, होमोलिसिस करिए, होमोलिसिस करिए, होमोलिसिस करिए और फॉर्म होने वाले इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी चेक करिए। फॉर्म होने वाला इंटरमीडिएट अगर बेटर होगा तो बोन्ड ब्रेक करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, और इंटरमीडिएट अगर अनस्टेबल होगा तो बोन्ड एनर्जी हाई रहेगी। तो मुझे लग रहा है जो सी को जो ब्रेक करना है वो सबसे टफ जॉब, क्यों? क्योंकि जो फिनाइलिक फ्री रेडिकल है वो हाईएस्ट अनस्टेबल है, अगर मैं थ्री की थ्री लोकेशन कंपेयर कर रहा हूं तो, जबकि बेंजिलिक लोकेशन बेटर होती, बेंजिलिक तो आपको मालूम है रेजोनेंस शो करेगा, तो सबसे इजीली जो रिमूव होगा वो ए होगा। बोन डिसोसिएशन एनर्जी का मिनिमम वैल्यू क्या रहेगा? ए का। तो सी का हाईएस्ट, ए का मिनिमम, बी का मिडल का रहेगा, तो सी सबसे हाईएस्ट में बताइए फर्स्ट में दिया है और लास्ट में दिया है। सी के बाद अपने को जो लेना था ए सबसे लास्ट में लेना था, ए सबसे लास्ट में यहाँ है, तो आपको ये आंसर दे देना चाहिए 4 नंबर। तो ऑप्शन की हेल्प लिया करो, क्वेश्चन ऑप्शन की हेल्प से करने चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप हैव प्लस एम इफेक्ट। अब आपको मालूम है सल्फो ग्रुप में ये इस टाइप से विड्रॉ करता है, तो ये तो माइनस एम है, एज यूजुअल यहाँ भी ये माइनस एम है, और मैथिल आपको मालूम है हाइपर कंजुगेशन है, इसका तो रेजोनेंस में रोल ही नहीं। नाइट्रोजन का जो ये लॉन पेयर है ये प्लस एम इफेक्ट शो करता है, क्योंकि लॉन पेयर कंटेनिंग ग्रुप, लॉन पेयर जब भी कंजुगेशन के साथ एसोसिएट होता है तो वहां पे प्लस एम होता है, और अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होता है और हायर ई एन और लोअर ई एन में डबल ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उस केस में क्या होगा? माइनस एम। नेक्स्ट कहें 80, विच शो टोटोमेरिज्म। अब टोटोमेरिज्म के लिए एक जनरल कंडीशन तो ये है कार्बोनिल की अल्फा लोकेशन पे एच होना, लेकिन अल्फा कोई मस्ट नहीं होता, आप कार्बन चेन पे कहीं से भी एच ले सकते हैं, लेकिन उसके इलेक्ट्रॉन वाया रेजोनेंस जो है वो कार्बोनिल ग्रुप के पास आए। तो यहाँ पे बेटा ये कार्बोनिल, ये कार्बोनिल, अब उनके पास ये जो एच है ये यूजेबल नहीं है, क्योंकि अपने जो एच लेते हैं वो sp3 कार्बन का लेते हैं, इसको नहीं ले पाएंगे, एज यूजुअल यहाँ वाला लेना नहीं और यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। इस वाले में भी कहें अपन ये दोनों लोकेशन ब्लॉक कर रखी, यहाँ आप जाओगे तो ये लोकेशन तो ब्लॉक है पर यहाँ पे एक एच है बेटा, हालांकि वो अल्फा नहीं है पर उसमें एक सिस्टम है, ये एच यहाँ से माइग्रेट होके यहाँ जब जाता है तो इसके इलेक्ट्रॉन वाया रेजोनेंस सीओ से कार्बोनिल पे चले जाते, तो नो डाउट इसे अपन ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसके लिए अपने को आंसर जो बताना था 4 ही बताना था, क्योंकि इसका ये वाला एच यूजेबल है, बाकी कहीं पे भी टोटोमेरिज्म के लिए अवेलेबल नहीं। 81, विच कंपाउंड शो हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन ईन में, कैटायन में और फ्री रेडिकल में होता है, तो ये फर्स्ट मॉलिक्यूल मेरे पास ईन है जिसके पास अल्फा एच है, तो यहां से, तो यहां से, तो नो डाउट हाइपर कंजुगेशन शो कर लेगा। सेकंड वाला एनायन है, एनायन में हाइपर कंजुगेशन नहीं होता बेटा, क्योंकि फ्री रेडिकल कैटायन और एल्कीन थ्री स्पीसी में होता है, ये भी कैटायन है और उसके अल्फा एच भी है, हाइपर कंजुगेशन शो करेगा। ये मेरे पास डबल बॉन्ड वाला सिस्टम एल्कीन लाइक है और यहाँ पे ये जो एच आ रहे हैं, क्योंकि एथिल में ये दोनों जो एच आएंगे ये वाले कार्बन पे, ये भी हाइपर कंजुगेशन शो करेंगे, तो ये भी कर सकता है। तो एक डी शो नहीं करेगा, बाकी सब शो करेंगे, ए सी डी, ए बी सी डी नहीं, ए सी डी, तो आपको आंसर देना चाहिए 3। नेक्स्ट गए अपन 82, विच ऑफ देम शो इनकरेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव का एक इनकरेक्ट रिप्रेजेंटेशन, ये सी एस थ्री आपको मालूम है कौन सा है? sp3। ये सी एस थ्री कौन सा है? sp3। तो sp3 वाला अगर sp2 को डोनेट कर रहा है तो बिल्कुल प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं। एज यूजुअल यहाँ पे अपन कहें तो ये कार्बोक्सी ग्रुप, ये वाला कार्बन जो था, ये वाला जो कार्बन है ये sp2 है और बैक साइड की रिंग sp3 है, तो sp3 से sp2 वाला विड्रॉ करे, कर सकता है, 2.75 वाला कर सकता है, ये भी प्रॉपर है। सी, अब वैसे क्या होता है, सिर्फ इतना ग्रुप हो तो नो डाउट विड्रॉवर होता है जैसे मैंने यहाँ कहा, लेकिन ये ओ नेगेटिव जो बैक साइड में है ये पूरी यूनिट को क्या बना देता है? डोनर, तो वो कार्बन चैन पे डोनेट कर रहा है, ये भी प्रॉपर आ रहा है। और यहाँ पे अपन कहें तो बेटा क्या है, sp3 वाले कार्बन sp2 से, ये वाला कार्बन sp2 था, हायर ई एन वाला, हायर ई एन वाले से लोअर ई एन वाला विड्रॉ करता है, ये बेटा प्रॉपर नहीं है। इसने अपने को यही कहा, विच ऑफ द देम शो इनकरेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ, इनकरेक्ट रिप्रेजेंटेशन में फर्स्ट सेकंड थर्ड तो प्रॉपर है, आपको जो आंसर देना था वो आंसर देना था ये वाला, इसमें इनकरेक्ट था बेटा। 83, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रेजोनेंस इज पॉसिबल। रेजोनेंस कहाँ पॉसिबल है?
फर्स्ट वाले में बेटा यहाँ पाई आया, फिर उसके बाद सीएचओ के अंदर भी पाई है, लेकिन बीच में गैप है, कॉन्जुगेशन नहीं। यहाँ पे अपन कहे तो ये पाई दोनों अल्टरनेट आ रहे, बिल्कुल रेजोनेंस होगा। थर्ड वाले में सिर्फ पाई है, उसके साथ अल्टरनेट कोई और है नहीं। और फोर्थ वाले में अपन कहें तो पाई यहाँ पाई, बीच में गैप आ गया, तो रेजोनेंस नहीं हो पाएगा, सेकंड वाला ही आंसर आएगा बेटा। 84, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैव डीलोकलाइजेशन इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे नाइट्रोजन के बस लोन पेयर है, पाई पाई है, पर डीलोकलाइजेशन का है, अल्टरनेट नहीं है ना, कॉन्जुगेशन में आना चाहिए। यहाँ पे अपन कहें तो नो डाउट रेजोनेंस होगा। यहाँ पे नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, लेकिन उस लोन पेयर का पाई बोर्ड के साथ अल्टरनेट ऑर्डर सेट नहीं हो रहा, ये पाई इस पाई के साथ अल्टरनेट नहीं है, आंसर सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, सिग्न आएगा। 85, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। एल्कीन के लिए स्टेबिलिटी ऑर्डर लगाना है बेटा। फर्स्ट वाली एल्कीन के लिए अल्फा एच का नंबर क्या आ रहा है, 6। फिर इस एल्कीन के लिए अल्फा एच का नंबर क्या आ रहा है, 12। इस एल्कीन के लिए अल्फा एच का नंबर क्या आ रहा है, 6। और यहां पे अपन कहें तो अल्फा एच का नंबर कितना आ रहा है, 9। तो मोर अल्फा एच मोर स्टेबिलिटी, क्योंकि अल्फा एच से एल्कीन में हाइपर कंजुगेशन बेटर होता है, स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। तो सबसे ज्यादा अल्फा एच कहां आए, यहां पे 12। तो सबसे पहले 2 को लेना चाहिए, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर आपको बताना है, 2 सबसे आगे आएगा, तो एक ही ऑप्शन ऐसा है जहां 2 आ रहा है, तो 2 के बाद अपने को लेना था 4, ये भी इसमें प्रॉपर है। अब इन दोनों में से अगर अपन कहें तो आपके पास ये भी 6 का, ये भी 6 का, लेकिन यहां पे ये जो आइसोब्यूटिलीन होती है, इसमें एक खास बात और होती है, इसके हाइपर कंजुगेशन में ऑलवेज जो स्ट्रक्चर फॉर्म होती है 1 डिग्री एनायनिक स्ट्रक्चर होती है, इसलिए थर्ड वाला ज्यादा बेटर होता है, जो इसमें दिया भी है। हालांकि वैसे तो ऑप्शन को अगर आपने हेल्प लिए तो इतना करने की जरूरत ही नहीं थी, आंसर तो डायरेक्ट आ रहा था। चलिए नेक्स्ट देखिए इसके बाद 86, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज ऑल द इफेक्ट नेमली इंडक्टिव मेसोमेरिक एंड हाइपर कंजुगेशन। इंडक्टिव मेसोमेरिक हाइपर कंजुगेशन सभी इफेक्ट जिसमें हो, पहले वाले में तो बेटा क्लोरो का इंडक्टिव काम कर रहा है, यहाँ वाले में अपन कहे तो इन के साथ जो ये मैथिल है, ये इंडक्टिव भी शो कर देगा, हाइपर कंजुगेशन भी कर देगा। लेकिन थर्ड वाले में जाओ आप तो पाई और पाई का रेजोनेंस है, फिर उसके बाद इस CH3 का इस CO के लिए डोनर इफेक्ट इंडक्टिव भी है, और ये वाला जो मैथिल है इसका डबल बॉन्ड के साथ हाइपर कंजुगेशन भी आ रहा है, सभी इफेक्ट हो रहे, मतलब आपका सिस्टम ये वाला था। तो इन दोनों का रेजोनेंस बता दो, इन वाले H का इस डबल बॉन्ड के साथ हाइपर कंजुगेशन बता दो, इस मैथिल का इंडक्टिव भी बता दो, सभी इफेक्ट इसमें पॉसिबल है, आगे वाले में रेजोनेंस है, और अगर अपन कहें तो इंडक्टिव वाला इफेक्ट यहाँ पे नहीं आ रहा है, रेजोनेंस तो है, हाइपर कंजुगेशन नहीं है, थर्ड देना चाहिए बेटा, सभी इफेक्ट है उसमें। 87, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट बेंजीन रिंग इन द फॉलोइंग कंपाउंड। बेंजीन रिंग पे आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बतानी है बेटा, तो बेंजीन रिंग पे जो डोनर है वो डेंसिटी इंप्रूव करेगा, CH3 डोनर है हाइपर कंजुगेशन से, NH का नाइट्रोजन का लोन पेयर डोनर है, ऑक्सीजन का लोन पेयर डोनर है, लेकिन यहाँ पे आपने ये जो CO दिया है, COO, मतलब इसको थोड़ा डिटेल में बनाए अपन, ये बेंजीन, ये CO, फिर O, फिर OET, तो ये वाला जो पोर्शन है ना बेटा, ये माइनस R का हो गया, ये विड्रॉ करेगा, और अगर ये दोनों डोनेट करते हैं तो दोनों में नाइट्रोजन होने की वजह से अपन फोर्थ को ज्यादा अच्छा लेंगे, क्लियर है। तो ये रेजोनेंस से डोनेट कर रहे हैं, ये हाइपर कंजुगेशन से कर रहा है, रेजोनेंस वालों में सबसे बेटर है 4, तो 4 लीजिए, डेंसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से 4 4 4, तीन ऑप्शन में 4 आ रहा है, 4 के बाद लीजिए बेटा 2 नंबर, 4 के बाद 2 इसमें आ रहा है, ये छोड़ दीजिए, 4 के बाद 2 इसमें भी है, फिर इसके बाद इन दोनों में से कंफर्म है कि 3 लेना ही है, तो ये भी छोड़ दो बेटा, 3 इसमें है, ये आंसर। तो इन थोड़ा सा ऑप्शन की हेल्प लेते हुए आगे बढ़ो आप। 88, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज लॉन्गेस्ट CC बॉन्ड लेंथ। कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ लॉन्गेस्ट हो, तो यहाँ कार्बन कार्बन, ये तो परमानेंट डबल बॉन्ड है, इसमें अपन कहें तो कार्बन कार्बन में सिंगल है, लेकिन क्या करेगा ये जो डबल बॉन्ड है 3H से क्या करेगा, हाइपर कंजुगेशन करके अपनी लेंथ इंक्रीज करेगा, और यहाँ भी ये जो डबल बॉन्ड है हाइपर कंजुगेशन नहीं कर पाएगा, परमानेंट डबल, ये परमानेंट डबल, ये परमानेंट डबल, ये वाले में इस एच के हाइपर कंजुगेशन से सिंगल बॉन्ड करेक्टर आएगा, और ये वाले डबल बॉन्ड में 6 अल्फा एच का हाइपर कंजुगेशन होने से मोर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, तो उसने लॉन्गेस्ट कहा है, इसलिए आपको ये फोर्थ लेना है, ठीक है। नेक्स्ट 89, चूज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस अमंग द फॉलोइंग। स्ट्रॉन्ग बेस आपको बताना है बेटा, तो यहाँ स्ट्रॉन्ग बेस अगर अपन कहें तो नाइट्रोजन का लोन पेयर CO से रेजोनेंस में, एकामाइड ग्रुप है,
यहाँ भी एक अमाइन ग्रुप है, यहाँ एक अमाइन है और ये भी अमाइन है, तो नो डाउट अगर मैं अमाइड और एमाइन में कंपैरिजन करता हूं तो मुझे अमाइड नहीं लेना होता, क्योंकि अमाइड में सीओ का रेजोनेंस एक डोमिनेटिंग रेजोनेंस होता है, और वैसे भी यहाँ पे अपने पास एमाइन है और एमाइन में भी अपन कहें तो नाइट्रोजन का लोन पेयर दोनों में रेजोनेंस कर रहा है, लेकिन इस मेथिल का जो डोनर इफेक्ट है वो इसको थोड़ा रिच बना रहा है, तो इसलिए अपन फोर वाले को ज्यादा बेटर बताएंगे। 90 डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिलेटिव बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ बतानी है बेटा, तो यहाँ पे आपके पास कंसेप्ट क्या होता है, कंसेप्ट होता है लोन पेयर अवेलेबिलिटी चेक करना, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी चेक करना, और एक होता है एस करेक्टर चेक करना। तो अवेलेबल के हिसाब से बेटा पिरिडीन का नाइट्रोजन लोन पेयर अवेलेबल है, और एज अ साइक्लोहेक्सेन के नाइट्रोजन का लोन पेयर भी अवेलेबल है, लेकिन ये रेजोनेंस में बिजी है, ये भी रेजोनेंस में बिजी है, तो कंफर्म है मेरे आंसर में बेस्ट बेस के अंदर इन दोनों को मुझे 3 और 4 से बेटर लेना है। अब उन दोनों में से भी पहले किसको लूं, उन दोनों में से बेटा ये नाइट्रोजन sp3 है, ये वाला नाइट्रोजन पिरिडीन का sp2 है, तो एस करेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सेकंड ज्यादा बेटर है, तो सेकंड फिर फर्स्ट, बेसिक बिहेव का ऑर्डर लगाना है, पहले सेकंड फिर फर्स्ट, यहाँ आ रहा है ऐसा तो ये रॉन्ग हो गया, सेकंड फर्स्ट इसमें आ रहा है ये भी रॉन्ग हो गया, तो अपने को 3-4 पे काम करना है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट आया यहाँ पे, ये भी रेजोनेंस में बिजी, ये भी रेजोनेंस में बिजी, इन दोनों में से बेटर किसे बताए, तो बेटा यहाँ आपको प्रैक्टिकल करना होगा, जैसे मैं एनिलीन को, क्योंकि रेजोनेंस तो दोनों में है, एनिलीन को प्रोटॉन दूं, वो एक बेस बन के दिखाए, तो वो अपना प्रोटॉन अगर प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा तो बन जाएगा एनिलीनियम, ऐसी पोजीशन आएगी अगर वो बेस बनता है। लेकिन अगर मैं इस पायरोल मॉलिक्यूल के साथ ऐसा करता हूं कि आप बेस बनिए अपना लोन पेयर इसे दीजिए, तो ऐसा करने पे एक बड़ा लॉस हुआ, वो बड़ा लॉस काय का, एरोमेटिसिटी का लॉस। आप देख रहे हैं एनिलीन बिफोर बेसिक बिहेवियर शोविंग भी एरोमेटिक है, आफ्टर बेसिक बिहेवियर शोविंग भी क्या रहेगा, बेसिक, लेकिन पायरोल के अंदर आप देख रहे हैं ये जो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है वो उसकी एरोमेटिसिटी का लॉस कर रहा है, तो इसलिए अपन को फोर्थ को सबसे पुअर में रखना है, तो 2 के बाद 1, फिर अपने को क्या लेना है, 3 और 4 में से 3 लेना है, इसने 4 को लिया इसलिए इसे छोड़ दीजिए, आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। तो अच्छा क्वेश्चन था ये वाला, ठीक। तो बच्चों ये अपना पेपर का सॉल्यूशन हो गया है, आपके जो भी डाउट थे, जो भी क्वेरीज थी वो कंप्लीट हो गई होंगी, तो बिल्कुल इसी तरह प्रोसेस से जुड़े रहिए और 2022 में बहुत अच्छा रिजल्ट आपका बनेगा, लेकिन उसके लिए रेगुलर हर टेस्ट को बहुत मन से करना होगा, टेस्ट के बाद जो भी आपकी उसमें कमियां हैं, जहां पे आपने गलत किया, क्यों गलत किया, वो सॉल्यूशन में जानिए, पर नो डाउट आप इंडिया के एक बहुत बेस्ट सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं और आपका रिजल्ट उतना ही बेहतर आएगा, बहुत अच्छा रिजल्ट, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।